हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, इस कंटिन्यू चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया था, कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे आपको, तो आज मैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आया। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसी पे डिपेंड आपके अदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 के, वो इस पे डिपेंड करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और जो कंक्लूजन हो आपको वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड है जो कि आपने क्लास 8th में भी, 9th में भी पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, कोई अलग से कोई मेथड में नहीं लेके आया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकालने हैं, मींस उसको सॉल्यूशन करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे तो मैं सिंपल मेथड मैं आपको बता दूं कि एक्स स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म है, माइनस 3x इज द सेकंड टर्म, माइनस 10 इज द थर्ड टर्म, ये तीन टर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस 10x स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर भी माइनस 10 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10x स्क्वायर। और जो सेकंड टर्म है माइनस 3x, इसको इस फॉर्म में माइनस 3x है, इसको इस माइनस 10x स्क्वायर के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो आप इसको ले सकते हो माइनस 5x प्लस 2x। तो माइनस 5x प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3x, क्योंकि माइनस जहां पर साइन लगा है वो जो डिजिट है वो क्या है, बड़ी है। जहां पर प्लस साइन लगा है उसके बाद वाली जो डिजिट है वो छोटी, इसलिए माइनस साइन लग जाएगा, तो माइनस 3x। और अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें माइनस 5x का 2x में मल्टीप्लाई करें, प्लस 2x में करें, तो माइनस 5 इंटू 2 मीन्स माइनस 10, x का x में x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। तो अब उसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, इसको लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस 3x को हम लिखेंगे माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। अब देखो माइनस 3x माइनस 5x में अगर प्लस 2x करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा। अगर माइनस 5x में प्लस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा, मींस माइनस 10 का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे जो आया है वही स्प्लिट उसी फॉर्म में माइनस 3x को, माइनस सेकंड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब देखिए यहां पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक्स जो है वो कॉमन, ओके दोनों में क्या है, एक्स कॉमन है। तो यहां पर आप लिख दोगे एक्स, एक्स निकालिए, तो यहां पर बचेगा एक्स माइनस 5, ओके। अब देखिए प्लस 2x में माइनस 10, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो यहां पर देखो 2x है यहां माइनस 10, तो 2 5 जा 10, 2 का मल्टीपल है, यहां पर भी 2 है तो 2 निकाल दीजिए, तो यहां बचेगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 5 है यहाँ पर, x माइनस 5 यहाँ पे, तो यहाँ पर x माइनस 5 कॉमन है, तो यहाँ पर बचा x प्लस 2, यहाँ पर बचा इक्वल टू 0, क्लियर। तो x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 5 बिकॉज दोनों जो है मल्टीप्लाई है इक्वल 0 में, तो x माइनस 5 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 5 बन जाएगा, प्लस 5, x इक्वल टू 5। अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2, प्लस 2 उधर चला जाएगा तो माइनस 2, इज इट क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट ये फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें सिंपली हमको ध्यान क्या देना है, आप पहले टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर लीजिए थर्ड टर्म में, और जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसी के फॉर्म, उसी फॉर्म में सेकंड टर्म को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट ब्रेक करेंगे, तो ये इसको ब्रेक करेंगे माइनस 3x को, तो ये माइनस 5x प्लस 2x कर दिया, तो माइनस 5x प्लस 2x का मल्टीप्लाई जो हुआ वो हो गया माइनस 10x।
स्क्वायर, और जब इसको माइनस करें तो क्या होगा माइनस थ्री एक्स। क्लियर। अब आप हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसको इरेजिंग कर देते, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर जो प्रॉब्लम होगी आप उसको पूछेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन है 100x² इसका 50 है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो पहले फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई थर्ड टर्म में, तो 100x² को 1 में करेंगे तो क्या आएगा 100x² है। सेकंड टर्म का माइनस 20x को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। थर्ड टर्म जिसे लास्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई करने पे जो आए उसको इस सेकंड टर्म के फॉर्म में स्प्लिट करें, सेकंड टर्म को स्प्लिट करेंगे। देखिए 100x² का 1 में करेंगे तो 100x² आ गया। अब -20x को स्प्लिट करो तो -10x लिख सकते हैं, -10x लिख सकते हैं। तो -10x -10x क्या होगा, -20x हो गया। अगर मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 10x का 100x², तो यहां पर हो गया इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये हो गया 100x² माइनस यहां क्या लिखोगे 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब देखते हैं यहां पर 100x² यहां पर -10x है, पर इन दोनों टर्म में हम कॉमन ले लेते हैं। देखो 100x² 10 का मल्टीपल, -10x में 10 है, तो आप यहां लिख दोगे और यहां पर x² यहां पर x है तो x कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन हो जाएगा 10x, तो यहां बचेगा 10x माइनस 1। अब -10x प्लस 1 में -1, यहां बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। क्लियर। अब देखो तो 10x माइनस 1 है, 10x माइनस 1 है, दोनों में कॉमन, यहां पर कॉमन कर लीजिए 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आप एक वैल्यू लीजिए 10x माइनस 1 अगर 0 है तो 10x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप इसको ये अंदर लिख सकते हो, तो 10x इक्वल टू अगर 1 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10, ये हो गई वैल्यू x की। दूसरा भी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है। ओके, इज इट क्लियर। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन हो गया। अब आपको जहां भी प्रॉब्लम हो, जिस चैप्टर में भी प्रॉब्लम हो जाए, आपका चैप्टर जो पिछला चैप्टर है चैप्टर 1, 2, 3, कहीं से भी कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या 4.2 से रिलेटेड हो, 4.1 से रिलेटेड हो, उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं और फिर से हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, कि हम इक्वेशन को अभी तक हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू करेंगे, आर जिसको सीधा फार्मूला कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।